हमारा भुगतान जल्दी करो, जल्दी करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। क्या यार जो है, सब मेल कर दिया। यहाँ दिसंबर समस्या है कि हम लोगों को 11 महीने से वेतन नहीं मिला, काम हमसे कराया जा रहा है और वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग जब अपने ठेकेदार से बात करते हैं तो पता चलता है विभाग में भी पेमेंट मिल नहीं रहा है। विभाग में बात करते हैं वो लोग हमसे बात नहीं करते, केवल काम के लिए कहते हैं। हम लोगों ने कई बार समस्या अपनी हाथ जोड़ के सब तरफ से कहा, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि वो लोग तो ये दिखाते हैं कि तुमसे हमारा मतलब नहीं, हम तो ठेकेदार से मतलब है। ठेकेदार भी जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा वो कहाँ से देगा? वो भी बेचारे भागे भागे घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब दिवाली आ गई, अभी तक हम लोग बर्दाश्त करते रहे। अब बहुत हो गया 11 महीने, हमारे घर में बच्चे भूखों मर रहे हैं। अगर हम लोगों को, हमने पहले इसकी सूचना भी दी आज की आरडी साहब से मिलने की, हम पुराने आरडी का ट्रांसफ़र हो गया, नया आरडी आए, हमने सोचा ये हमारे लोगों का पेमेंट कराएंगे, पर इनको आए हुए 25-26 दिन हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। हम लोगों ने आज बड़े उसके कि आरडी साहब से मिले, भाई क्या बात है, 26 दिन हो गया, इतना विलम्ब क्यों? जबकि आप यहाँ अंदर चढ़ें, सबसे पहले स्लोगन लिखा हुआ है कि विलम्ब भी भ्रष्टाचार की जननी है। तो ये विलम्ब क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार के मारे हो रहा है भाई। अगर पेमेंट किसी का है, कट रहा है, जो भी बन रहा है उसको दो, हम लोगों को पेमेंट मिले, हमारा काम कर रहा है, हमारा भुगतान हो, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है इसमें ठेकेदार की मिली भगत अधिकारियों से कि अधिकारियों की मिली भगत? ठेकेदार की मिली भगत होती तो हम लोग पिछले 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कभी इस तरह की समस्या आज तक जिंदगी में नहीं भाई, कभी नहीं। अब वही दौरान कुछ नए अधिकारी आए, कुछ नए बाबू आए हैं जो अपना कीमत बढ़ाना चाहते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहते हैं, वो अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, ठेकेदार देने में असमर्थ है, इसलिए ये लोग सारे हम लोगों के लिए पर कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये संस्था ज़्यादा करे, संस्था को बाहर कर दें। बस बस मेन चीज़ ये सर। क्या नाम है? देवदत्त बख्शी। बख्शी जी, आप लोग की वर्किंग क्या है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस का काम देखते हैं, हमारी फर्म जिसके तहत हम लोग यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं। विगत 11 महीनों से हम लोग का कोई भुगतान नहीं हुआ है। किस किस जगह पर बिजनेस काम देख रहे हैं? उस जगह है ये रीजनल ऑफिस ESIC का है, सर्वोदय नगर जी। कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ लगभग हम लोग को 10 साल हो गए। ठेकेदार वही था कि बदलता रहता है? ठेकेदार वही है, टेंडर होते हैं, ठेकेदार आता है, हम लोग काम करते हैं, एक ही ठेकेदार रहता है। हाँ, लगभग विगत 8 साल से हम लोग हैं उन्हीं पर। समस्या यही है, 11 महीने से हम लोग का भुगतान नहीं हुआ है। बड़ी हम लोग परेशान हैं, जब अपने ठेकेदार से कहते हैं, ठेकेदार के पास चूँकि वाकई में पैसा नहीं है, हम लोग उनकी बैंक की स्टेटमेंट वगैरह देख चुके हैं, वो कर्जे में, यहाँ का अधिकारी किसी तरीके से सुनने तैयार नहीं है। नए नए अधिकारी आए हैं, वो अपने तरीके से सिस्टम को चलाना चाहते हैं। अब क्या उनकी ठेकेदार से सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कोई आजीविका इसके अलावा कुछ है? हम लोग की कोई आजीविका नहीं, हम लोग यहीं काम करते हैं। इसीलिए आज हम लोग सब लोग जमा होकर नए निदेशक साहब के पास गए थे कि हम लोग का आखिर क्या होगा। हम लोग साल साल भर से बाजार में उधार है, बच्चों की फीसें नहीं जमा हैं, अब हम लोग क्या करें, मर जाएं कि क्या करें, यही उनसे पूछने गए थे। अगर उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार तक रुकिए, और नहीं तो हम लोगों ने, सब लोगों ने तय किया, सोमवार को हम लोग अपने बीवी बच्चों साथ यहीं दरवाजे पे अनशन करेंगे। क्या